जय बच्चन साहबा, पांडे साहब, स्टेज पर बैठे हुए तमाम समाजवादी पार्टी के नेतागण, यहां पूरे देश से आए हुए तमाम समाजवादी पार्टी के नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, कहते हैं न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई तो बात नुकसान सबका है। जो सागर से जो नदियां मिल गई दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। सबसे पहले मैं आदरणीय अखिलेश भाई को, पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी मेजोरिटी के साथ चुने जाने पर बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। दोस्तों, आज राष्ट्रीय सम्मेलन में आए हुए तमाम साथियों का, खासतौर से मेरे साथ जो महाराष्ट्र से, मुंबई से बहुत सारे लोग आए हैं, इन सब का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप बहुत बड़ी ताकत से यहां आए। अल्लामा इकबाल ने एक शेर लिखा था, शायर मशरिक ने, इस सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। इसका मतलब यह है कि हमारा हिंदुस्तान दुनिया में सबसे अच्छा है, और ये वो गुलिस्तान, वो गुलिस्तान है, ये वो बागीचा है जिसमें हर तरह के फूल खिलते हैं। उस फूल को खिलने का, उस फूल को खुशबू देने का सभी को अधिकार है। लेकिन मैं आज देख रहा हूं कि आज इस देश के अंदर कुछ लोग एक ही फूल को खिलाना चाहते हैं, बाकी फूलों को मसल देना चाहते हैं। अब उस बुलबुल की जगह पर उल्लू आ गया है, जहां बुलबुल नहीं होगा उल्लू होगा। तो कहा शायर ने कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है, और हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। मैं अध्यक्ष जी, एक बहुत ही